ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप तय हुए हैं, ना ही मेरे ऊपर कोई आरोप लगे हैं। अभी तक केस में सीबीआई ने 31,000 पेज कोर्ट में फाइल किए हैं और 294 विटनेस यानी कि गवाह एग्जामिन किए गए हैं। ईडी ने लगभग 162 विटनेस को एग्जामिन किया है और करीब 25,000 पेज फाइल किए हैं। इन सारे विटनेस और कागजों को मिलाकर मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? मेरे नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट डाले गए हैं, यानी कि लगभग 4 स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनमें अरविंद केजरीवाल जी के नाम का जिक्र है और उन्होंने कहा कि मैं ये चारों स्टेटमेंट्स के विषय में आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। पहला स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया जी के तब के सेक्रेटरी सी अरविंद के विषय में था। उन्होंने कहा, मेरा नाम 4 जगह आ रहा है। सबसे पहले हैं सी अरविंद। सी अरविंद मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी थे। उन्होंने यह बयान दिया कि एक दिन वह मेरे घर में मेरी मौजूदगी में मनीष सिसोदिया जी से उनके कुछ के डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर। सी अरविंद को मनीष सिसोदिया आपके घर पे कुछ एक्साइज डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए। उन्होंने कहा कि कोई आरोप मेरे घर पे ढेरों विधायक और अधिकारी आते हैं, उनके सेक्रेटरी आते हैं, आपस एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है? क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना यह सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको एमएसआर भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद हैं, सांसद थे। एमएसआर एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं, मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। हमने कहा कि ज़मीन हमारे अंडर नहीं आती, एलजी साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर ये जो स्टेटमेंट है ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक पीएमएलए का सेक्शन है। 5 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुगुंटा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बावजूद वे अपने पुराने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को उसके पिता अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, यानी कि राघव के पिता मुगुंटा रेड्डी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। बीच में ईडी के लॉयर ने फिर से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, राजू जी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मिस्टर राजू आई नीड योर ब्लेसिंग्स, प्लीज़ मुझे बोलने दीजिए। और फिर किसी तरीके से दोबारा अरविंद जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, 16 जुलाई को अपना बयान वे बदल लेते हैं। एक बाप अपने बेटी की गिरफ्तारी के बाद अपना बयान बदलता है और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो बयान बार बार हो रहे थे उनमें कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं था, इसलिए बार बार नए बयान लिए गए।
और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया गया, फिर कोई और बयान की जरूरत ईडी को नहीं थी, बाकी सारे बयान जो है कूड़े के कचरे के डब्बे में, और इस बयान को ईडी जो है कोर्ट के सामने पेश करता है। उसके बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं लिया जाता, बयान पे बयान हो रहे थे, पर जब तक वो मेरे साथ मेरी मदद के बयान दे रहे थे जिसमें मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, तब तक ईडी को उस पर एतराज था, और जैसे ही वह मेरे खिलाफ बयान देते हैं उनका बेटा छूट जाता है और उनके और बयान लेने बंद हो जाते हैं, और 3 अक्टूबर को उनका माफ़ीनामा हो जाता है, यानी कि वो सरकारी गवाह अप्रूवर बन जाते हैं, ईडी और केंद्र सरकार का मिशन कामयाब हो जाता है। अब तक मैंने 2 गवाहों के विषय में बताया, अब मैं तीसरे गवाह पे आता हूं। फिर अरविंद जी ने कहा इनका मकसद साफ है, ईडी का मकसद साफ है, वो केवल और केवल मुझे फंसाना चाहते थे। सेक्शन 50 में 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों बराबर हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट को कैसे तवज्जो दी जा सकती है? ईच स्टेटमेंट कैरीज इक्वल ग्रेविटी। क्या जांच की गई है और इनमें से एक सही है बाकी गलत है? इस निर्णय पे ईडी कैसे पहुंची, इस निर्णय पे कोर्ट कैसे पहुंचेगा कि अगर 3 स्टेटमेंट सेक्शन 50 में ईडी ने एक ही आदमी से ली है, वो अलग अलग हैं, तो एक ईडी को उठा ले उस स्टेटमेंट को और वो कोर्ट में दे दे कि साहब ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, ये 2 स्टेटमेंट अरविंद जी के साथ है इसलिए खारिज है। इसकी जांच कोर्ट कब करेगा, कैसे करेगा? अरविंद जी ने ये सवाल कोर्ट के सामने रखे। जो 25,000 पेज ईडी ने फाइल किए हैं उनमें 25,000 स्टेटमेंट्स में, उन 25,000 पेजों में जो चीज़ें अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं सिर्फ उन चीज़ों को लगाया गया है, बाकी 2 स्टेटमेंट जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हैं उन 25,000 पेजों में से वो पेज हटा लिए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? यह तो गलत है। कोर्ट के सामने तीनों स्टेटमेंट लाए जाने चाहिए ताकि कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करे कि कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट माने और कौन सा स्टेटमेंट कोर्ट ना माने। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी तीसरे गवाह की तरफ बढ़ते हैं जो मुगुंटा रेड्डी के बेटे हैं राघव रेड्डी, जिनका जिक्र मैंने किया कि उनको 5 महीने तक गिरफ्तार किया। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा तीसरा स्टेटमेंट उनके बेटे का है, राघव मुगुंटा से 16 सितंबर को राघव मुगुंटा के यहाँ 16 सितंबर को रेड होती है और उनका बयान लिया जाता है। उनका बयान अपने पिता के बयान की तरह ही होता है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई बात नहीं कहते। 10 फरवरी को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, यानी कि राघव रेड्डी को। उसके बाद उसके 5 बयान लिए जाते हैं, उनमें वह वही बोलता है जो उसने पहले बोला होता है, यानी कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको इंडाइट करने का कोई बयान नहीं देता है। 5 महीने तक उसको जेल में रखा जाता है। आप समझ सकते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक बड़े बाप के बेटे को, एक करोड़पति अरबपति आदमी के बेटे को 5 महीने तक तिहाड़ में सड़ाया जाता है, मगर वो अपने बयान पे कायम रहता है। उसके बाद 16 जुलाई को जब उसके पिता अपना बयान बदलते हैं अपने बेटी की जेल के कारण, तो 18 जुलाई को उस बेटे की जेल से जमानत हो जाती है। उसके जो 7 बयान हुए उसमें से 6 बयान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है। 7वें बयान में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलते हैं उसके बाद कोर्ट, उसके बाद ईडी उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करता, उसे जेल से छोड़ दिया जाता है, उनको माफीनामा दे दिया जाता है और ये 6 स्टेटमेंट कूड़े के डब्बे में डाल दिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है कि ये कौन तय करेगा कि 7 में से 6 स्टेटमेंट गलत है, 7वां स्टेटमेंट सही है? ये ईडी कैसे तय कर सकती है? ये तय कोर्ट करेगा, न्यायालय करेगा, लिहाजा वो 6 स्टेटमेंट भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे लाए जाने चाहिए। उसके बाद जो ईडी का स्टार विटनेस है उनके विषय में अरविंद केजरीवाल बात करते हैं, शरद चंद्र रेड्डी। चौथा है शरद चंद्र रेड्डी।
शरत रेड्डी का केस 16 सितंबर में, माफ कीजिएगा, शरद रेड्डी के मामले में 16 दिसंबर को उनके यहां रेड हुई, उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। 9 नवंबर को उसने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, यानी कि जब रेड हुई तब उसने कोई बयान नहीं दिया। उसके बाद 9 नवंबर को उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, उसमें भी उसने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। 10 नवंबर को अगले दिन उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद 9 बयान दर्ज किए जाते हैं। 9 डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ शरद रेड्डी आर रिकॉर्डेड बाय ईडी इन देयर कस्टडी, और उन 9 के 9 स्टेटमेंट्स में शरद रेड्डी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको इंडाइट करने वाला कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। उसके बाद 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी अरविंदो फार्मा के मालिक के बेटे शरद रेड्डी को 6 महीने तक जेल में सड़ाया जाता है। एक बाप टूटता है, और उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद 6 महीने गिरफ्तार रहने के बाद 25 अप्रैल को वह भी टूट जाता है, और वह केवल इतना कहता है कि मैं विजय नायर के साथ सीएम साहब के पास गया था, सीएम साहब जल्दी में थे तो सीएम साहब ने कहा कि विजय के टच में रहो, विजय अच्छा लड़का है। सिर्फ इतना बयान है। 6 महीने सड़ाने के बाद 25,000 करोड़ की कंपनी के मालिक के बेटे का ये बयान है। मैं केवल, अब अरविंद जी ने कहा, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि ये 4 स्टेटमेंट क्या एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त हैं? कैन यू यूज दीज 4 स्टेटमेंट्स टू अरेस्ट अ सिटिंग चीफ मिनिस्टर? कैन यू जस्ट अरेस्ट अ चीफ मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स?